नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश खबर स्पेशल। आज की 5 खबरों में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर है, जनपद फर्रुखाबाद में शारदा सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा 40 सर्व जाति समूह विवाह संपन्न हुए। कार्यक्रम में शारदा सेवा संस्थान के सचिव चंदन पटेल ने सभी नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में अखिल भारतीय शाख महासभा के जिला अध्यक्ष नीरज प्रताप शाख, प्रोफेसर सुशील शाख और उनके पदाधिकारी मौजूद रहे। देखे हमारे संवाददाता शिवम शाख की रिपोर्ट। बड़ी छुट्टी है शादी की, मैं चाहूंगा भूखो सिगरेट कर दे, मैं कैसे इधर साइड करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। मैं चाहूंगी माँ शारदा सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश की कमेटी की पूरी टीम पहले ऊपर आ जाए, सारी टीम ऊपर आ जाए और इसके वीडियो बन रहे राहुल। अब आज की दूसरी खबर, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार ने आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया। डॉक्टर प्रभात कुमार की नियुक्ति राज्यपाल राम नाईक ने प्रोफेसर अनिरुद्ध सिंह यादव का कार्यकाल पूरा होने पर किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद पर किसी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की नियुक्ति 6 वर्ष बाद हुई है। उनके पदभार ग्रहण करने के दौरान आयोग के सचिव सहित सारे प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर प्रभात कुमार ने विधिवत काम शुरू कर दिया है। आज की तीसरी खबर, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएँ मजबूत करने के लिए राज्य सरकार नया प्रयोग करने जा रही है। अब IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से सभी सरकारी अस्पतालों में शाम और अवकाश के दिनों में भी OPD चलेगी। OPD में मरीजों से मिलने वाली फीस को डॉक्टर से शेयरिंग की जाएगी। इसकी शुरुआत कानपुर में उर्सला अस्पताल से की जाएगी। उन्होंने बताया कि IMA के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी मिल गई। अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को लखनऊ के माल एवेन्यू रोड स्थित कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं को उपचुनाव की तैयारी करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर भाईचारा कमेटी बनाने व उनके सुख दुख में शामिल होने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा जल्द की जाएगी। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में मराठा समाज के आरक्षण को लेकर जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई, अगर उतनी ही सजगता अलग अलग सरकारी विभागों में लंबित पड़े SC ST व OBC वर्गों के पदों को भरने में दिखाई होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन भाजपा की सरकार में आरक्षण के हकदार ये लोग उपेक्षित पड़े हुए हैं। आज की आखिरी खबर, राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली को जिला अधिकारी फर्रुखाबाद के माध्यम से मुफ्ती मुअज्जम अली मजाहिरी, अध्यक्ष मौलाना सनाउद्दीन और मौलाना शमसुद्दीन एवं उनके साथियों ने एक ज्ञापन दिया। इन लोगों की मांग है कि झारखंड राज्य में असामाजिक तत्वों की भीड़ द्वारा मोहम्मद तबरेज अंसारी को षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है। हत्यारों को जल्द से जल्द कठोर दंडात्मक सजा दी जाए। सर, असल में जो मुल्क में बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग, बेकसूरों को भीड़ द्वारा मार दिया जाना जो मुल्क के लिए इंतहा ख़तरनाक है, इसलिए हम राष्ट्रपति के नाम आज DM साहब के यहाँ आए थे। DM साहब के द्वारा मेमोरेंडम देने, DM साहब मौजूद नहीं तो सिटी मजिस्ट्रेट को हमने मेमोरेंडम अपना सौंप दिया है ताकि मुल्क में एक ऐसा कानून बने जो भीड़ द्वारा बेकसूरों को मारा जा रहा है। आप देख रहे थे आज की 5 खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए दादासर 24। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।